बॉलीवुड की बिग बी के लिए अब जूनियर बच्चन का ये फैसला लेना कि वो तब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होंगे जब तक उनके पिता पूरी तरह से स्वस्थ होकर वो भी लौट नहीं आते हैं, और ये तब हो पाएगा जब उनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आता है। आराध्या और ऐश्वर्या का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया और वो वापस जलसा लौटा, लेकिन नानावती हॉस्पिटल में अभी 20 दिनों के इस जंग को जारी रखते हुए अमिताभ अभिषेक यहीं पर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऐसे में अभिषेक बच्चन से हटकर अमिताभ बच्चन, जो कि लगातार ट्रॉलर्स को जवाब देते नाराजगी जाहिर करते नजर आए, डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते नजर आए उनकी सेहत का इस तरह से ख्याल रखने के लिए, तो दूसरी ही तरफ अभिषेक बच्चन की चुप्पी भी बर्दाश्त ट्रॉलर्स से नहीं हुई। ट्रॉलर्स के बीच फिर निशाने पर आ गए अभिषेक, जो खुद भी पिता के साथ है बीमार। एक यूजर ने अभिषेक बच्चन को ट्रॉल करते हुए कहा, पता हॉस्पिटल में है, किसके भरोसे बैठ कर खाओगे। एक्टर ने कहा, काफ़ी ज़्यादा अलग बात, बहुत नाराज़गी ये सहनी पड़ी है अभिषेक बच्चन को। इसलिए अभिषेक बच्चन ने बड़े ही सादगी से यूज़र को जवाब दे दिया। अभिषेक बच्चन ने जो जवाब देगा, वो जवाब दिया वो ज़रूर आप सुनना चाहेंगे। दरअसल अभिषेक बच्चन ने 16 लिखा था अपने शो ब्रेथ इनटू द शैडोज़ के लिए, तो पारुल कौशिक ने ये लिखा, योर फादर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, अब किसके भरोसे खाओगे। इस ट्वीट का अभिषेक बच्चन ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल तो लेट के खा रहे हैं दोनों एक साथ अस्पताल में, जल्दी ठीक हो जाइए सर, ये जब एक यूज़र ने लिखा। और उन्होंने कहा कि हर किसी की किस्मत में लेट कर खाना नहीं है। यूज़र की इस बात पर भी अभिषेक बच्चन ने सादगी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं दुआ करूँगा कि आप हमारे जैसी स्थिति में कभी ना आए, हमेशा स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, आपकी दुआओं का धन्यवाद मैम। यह लिखकर उन्होंने कहा कि फिलहाल तो पूरी तरह से जिम्मेदारियां हैं। पारुल कौशिक ने जवाब दिया। अभिषेक बच्चन ने जिस शादगी के साथ ट्रॉलर्स को जवाब दिया, इसके लिए उन्हें काफ़ी तारीफ मिल रही है। ये सवाल जवाब का सिलसिला, ट्रॉलिंग और जवाबदेही का सिलसिला ट्विटर पर चला। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति रिपोर्ट।